ये आपके आज इस कार्यक्रम में आने से पहले, मतलब मंगलवार से पहले और बीते मंगलवार के बाद, इस एक हफ्ते में या फिर चार सेशंस में, सुशील जी, पीएसयू बैंक्स में बहुत तेजी रही, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने पीएसयू बैंक्स में क्या किया और अभी भी आपकी किस पीएसयू बैंक पे नजर है? देखिए, 2020 में जब हमने पीएसयू बैंक्स में 810 बैगर का कॉल निकाला था तो हम उपहास के पात्र थे। 2021-22 में भी जब हमारे क्लाइंट्स दबोचते रहे उन्हें, तो हम तो इतने नीचे के लेवल से बैठे, और हमने 2023 की भी फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में बहुत इसमें तेजी करी, तो हम तो इस भाव में फंसेंगे नहीं। हम इस ताक में है कि कैसे इनमें रिवर्सल आए, तब तक हम भागने दे रहे हैं। रिवर्सल आते हम दे मारेंगे और 30 से 35% नीचे वापस लेंगे चार्ट्स के अनुसार। मैं अपना कभी कोई मत नहीं रखता, जो मेरी चार्ट्स मुझे कहती है बेहिचक मैं कह देता हूं। तो अब सारी दुनिया को पीएसयू बैंक में तेजी करनी है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एवरेज बिगड़ेगा, और जब सारे लोग गर्म होंगे तो हम थोड़ा नरम हो जाएंगे, मिल जाएगा हमें वापस नीचे, यही हमारी धारणा है।